उत्तराखंड के खिलाड़ियों का कमाल, दक्षिण में लहराया पहाड़ों की जीत का परचम। तमिलनाडु में नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में पहाड़ों के खिलाड़ियों का जलवा। देवभूमि के दमखम की शान बनी ये टीम, टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में हासिल किया बड़ा मुकाम। ये अवार्ड, ये ट्रॉफी और ये सर्टिफिकेट सम्मान है उत्तराखंड के उन खिलाड़ियों का जिन्होंने खेल के दम पर उत्तराखंड के मान को देश में बढ़ाया। इन हुनरमंदों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देवभूमि का विजय ध्वज लहराया है। इस टीम ने जीत के साथ ही ये दिखा दिया कि उत्तराखंड भी खेलों के मामलों में किसी से पीछे नहीं है। तमिलनाडु में आयोजित हुई 34वीं सीनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने परचम लहराते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण में पहाड़ों का विजय ध्वज लहराने के बाद अब ये खिलाड़ी अपनी सरजमी पर लौटे तो इनका जोरदार स्वागत किया गया। हरिद्वार के वेद मंदिर आश्रम में इन खिलाड़ियों का कुछ इस अंदाज में वेलकम हुआ। खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कंडवाल भी मौजूद रहे। सभी ने खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई, शॉल उड़ाई और माला पहनाकर उनका मान बढ़ाया। तमिलनाडु में उत्तराखंड का जीत परचम लहराने पर टीम के कप्तान वसीम अहमद कुछ इस अंदाज में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट एक ऐसा खेल है क्योंकि ये गली स्तर से लेकर हर गांव, क्षेत्र, शहर, हर जगह खेला जाता है। और हमारे सामने दिक्कत क्या थी कि खेल कोई भी लेता लेकिन हमें गवर्नमेंट से कोई भी फंड वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है। अगर हमें गवर्नमेंट से फंड मिले, गवर्नमेंट इसको गेम को अपने गेम में शामिल करे, हमको जूता, कपड़ा और हमारे आने जाने का खर्चा उठाए, तो हम निश्चित रूप से अगले साल आने वाले गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगली बार हमारी उत्तराखंड की टीम प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने के मकसद से खेल के मैदान में उतरेगी। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में जो हमारी उत्तराखंड की जो टीम थी वो तमिलनाडु के अंदर खेलने के लिए गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का जो वहां पर कार्यक्रम था उसमें लगातार हमारी उत्तराखंड की टीम ने 5 मैच उसमें लगातार जीते हैं। मैं उन अपने सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। वैसे तो तीसरे नंबर पर आए हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उन बच्चे के हौसले को देखकर आगे जब भी हमारी टीम किसी भी प्रदेश या देश में जाएगी निश्चित रूप से वो नंबर एक स्थान को हासिल करेगी। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कंडवाल ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेल को उत्तराखंड के खेलों में शामिल करने के लिए सीएम धामी से जल्द मुलाकात करेंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट है ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारी टीम लगातार जीत रही है। इस बार भी लगातार 5 मैच जीतने के बाद तीसरे स्थान पर रही। प्रकार से भव्य स्वागत अपने युवाओं का, युवा टीम का, अपने खिलाड़ियों का स्वामी जी ने वेद मंदिर में किया है। इसके लिए मैं स्वामी जी का ऋणी भी हूं और जो डिमांड हमारी एसोसिएशन ने की है उसके लिए भी स्वामी जी ने आश्वासन दिया है। हम जल्द ही मुख्यमंत्री जी से स्वामी जी के नेतृत्व में मिलेंगे और ये खेल टेनिस क्रिकेट बॉल एक दिन वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड और सभी पर्वतीय जिलों का अग्रणी खेल होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार खेल नीति बनाकर खेलों के प्रति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। खेलो इंडिया के माध्यम से भी देवभूमि में पारंपरिक खेलों को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देकर उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो पूरे दमखम के साथ खेल के मैदान में विरोधियों को पटखनी दे सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।